आप तभी आए वार्ड में घूमने के लिए, आप तभी ना आए, जीत लिए एक बार कल, कभी नहीं आए। जितना बार स्थिति देखिए, भागलपुर नगर निगम चुनाव में मेयर पद की प्रत्याशी व पूर्व महापौर सीमा साह के पति और जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन साह को चुनाव प्रचार के दौरान जनता के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने मेयर प्रत्याशी व पूर्व महापौर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही अपशब्द भी कहे। जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन साह को घेर कर उन्हें अपनी वार्ड की समस्याओं से लोगों ने रूबरू कराया और बताया कि पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ है, वार्ड की स्थिति काफी खराब है, जहां तहां गंदगी फैली हुई है। इस दौरान लोग काफी आक्रोशित हो गए। टुनटुन बाबू, आप कभी आए वार्ड में घूमने के लिए? आप कभी ना आए, जीत लिए एक बार कल, कभी नहीं आए। जितना बार का स्थिति देखिए, हम चलाएंगे, कोदरा लाइए, साफ कर देंगे। अभी जिंदाबाद बना दे, चार को कोदरा लेके भेज दिया, उसके पहुंच का और उसको पूरी निकल जाइए। मैं आपको बता दें, नगर निगम भागलपुर के लिए महापौर, उप महापौर और पार्षद के पद के लिए 28 दिसंबर को मतदान होना है और उसी सिलसिले में भागलपुर में अब चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। समय कम है और इसी कम समय में मेयर, उप मेयर, प्रत्याशी को पूरे भागलपुर जिले में जनसंपर्क भी करना है। इसी सिलसिले में पूर्व महापौर सीमा साह के पति और जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन साह अपनी पत्नी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने भागलपुर के वार्ड नंबर 50 के वारसलीगंज मोहल्ला पहुँचे थे। उसी दौरान जब वार्ड 50 जो कि पूर्व महापौर सीमा साह का भी वार्ड है पहुंचे, तो लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ गया। लोगों ने सीमा साह मुर्दाबाद, टुनटुन साह मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन साह को रोककर जमकर खरी खोटी सुना दी। इस दौरान लोग काफी आक्रोशित हो गए, जिसके बाद जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन साह अपने समर्थकों के साथ वहां से निकल गए। बहुत कुछ बोला गया, ऐसा बात नहीं है, बहुत कुछ बोला गया, ऐसा बोला गया कि कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत कुछ बोला। इस बार जनता किस मुद्दे पर वोट करेगी? हाँ, तो अब जनता का भी इसको तो उठाने नहीं, अब जनता जिसको चाहेगा उसको सीमा साहब को तो उठाने वाला है। तो मांगने वो आज आए थे, वो सीमा साहब उनके पत्नी जो महापौर है वो नहीं आए थे, लेकिन उसका पति आए थे टुनटुन बाबू, वो आए थे वोट मांगने के लिए। और तो आप लोगों ने क्या कहा? हम लोग तो आक्रोशित हैं उसके ऊपर में, उनको आपकी वोट नहीं दिया जाएगा और हम लोग अपने से चुनेंगे वोट। जनहित किया गया है वार्ड में, कोई काम नहीं किया गया है। 5 साल सीमा साहब भी वार्ड पार्षद रहे और उप महापौर भी रहे, मेयर भी रहे, वो आज झलक दिखलाने आए हैं वोट के समय के बारे में। पूर्ण वोट मांगने आए थे और वो कुछ नहीं कर रहे हैं, विकास भी कुछ नहीं हुए हैं 5 साल में, सब बाधित है, हम लोग नरक में जी रहे हैं, सब स्कूल के आने जाने बच्चे वाले को सबको अभी दिक्कत हो रहे हैं, सबको स्कूल गाड़ी फलना चिलना सबको जा रहा है, दिक्कत हो रहा है उसमें। आज तक कोई चुनाव नहीं हुआ, चुनाव होने जा रहा है, लेकिन वो अभी आए हैं सिर्फ वोट मांगने के लिए, वो काम नहीं किए हैं वार्ड में। किस तरह की सब 50, 51, 49 सबका पानी बढ़ रहा है, वो तो दीपू वार्ड पार्षद हैं जो कि थोड़ा सा निकासी करवा रहे हैं अपने वार्ड में, क्योंकि पानी का समस्या थोड़ा कम हुआ है, पानी पूरा लबालब रहता है, हम लोग का पानी हर समय 24 घंटा पानी रोड पे रहता है, कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं है। अच्छा, पूरा जिंदगी गंदगी में जी रहे हैं, अभी आपके सामने देख लीजिए कितना गंदगी है। हाँ।